बच्ची का क्या नामकरण करें आप लोग कमेंट करके बताइए। और अमरनाथ कोई पार्टी वार्टी रखने का विचार है? नहावन वगैरह कहिया है? मम्मी नहावन कहिया करा जाए? पक्का शनिवार को? उसको आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। हमारे घर इस खुशी में आज हमारा बड़ा भाई शामिल रहता तो कुछ माहौल ही आ जाता है। दोस्तों नमस्कार, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइए। और दोस्तों देख सकते हैं आज मेरी मम्मी हैं अमरनाथ भाई के घर आई हैं बहनी को खिलाने। और दोस्तों आज बारी है बहनी का नामकरण का, और क्या क्या नाम सब लोग सोचे सबसे आज जानकारी लेंगे। और आप सबका क्या रहेगा राय आप लोग भी बताइएगा। और सबसे सुनिए सबसे सुनिए बच्चे का नाम क्या रखूं, तो उसमें कमेंट बहुत सारा आया है, जिस तो वही जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक आएगा तो वही उसी चीज के बारे में बात करने वाले आज हम। अमरनाथ ये बताओ सबसे पहले आप क्या नाम चूज किए हो? अभी हमारे मन में ना हम पब्लिक के ऊपर छोड़े हुए हैं कि हमारे पब्लिक जो कमेंट करेंगे सबसे ज्यादा लाइक रहेगा वही नाम रखेंगे। रिया और मौसी के ऊपर? मौसी बच्चों हमार भगवान हमें जो हमारे बच्चों कहिए तमन होई। पक्का? पक्का। और माई का नाम रखा तू बतावा? जवन पब्लिक कही आशीर्वाद दे। और भाभी? भाभी से हम पूछते भाभी आपका क्या बात है बताइए आप। मेरा कुछ नहीं है, इसकी मौसी और इसकी बुआ नामकरण करेंगी। मतलब मौसी और बुआ नामकरण करेंगी। और ज्योति तुम्हारा? अब सब लोगों का मन वही है तो वही मेरा भी मन है। पब्लिक क्या क्या पब्लिक क्या ज्योति बोल रही है अमरनाथ? कहाँ बैठाएं यार भाई, हमको कुछ ठंडी में नहीं आता है। अच्छा ज्योति की बातों को कहा इस तरह से बोलते हो? अच्छा ज्योति तुम प्यारा लगा लो वही नाते ज्योति की बात। और दोस्तों ज्योति की बात कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी सुनो नमस्ते मट्टे बोलो। अच्छा नमस्ते, कितना अच्छा से बोले हैं। और दोस्तों बाकी अमरनाथ भाई, बाकी दोस्तों आप लोगों ने सुना कि सबका राय है मेरी मम्मी अमरनाथ की मम्मी प्रिया भाभी अमरनाथ भाई का ज्योति का हमारा सबका राय है आप लोग के ऊपर। तो एक छोटी सी प्यारी सी परी या गुड़िया या बच्ची का क्या नामकरण करें आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग जो नाम करे मतलब जो नाम बताएंगे जिस नाम पे सबसे ज्यादा लाइक होगा वही नाम बच्ची का रखा जाएगा। और बच्ची प्यारी है छोटी सी है। और दोस्तों किनके घर प्यारी सी बच्ची आई है कमेंट करके बताइए। कौन कौन अपनी बेटियों से प्यार करता है कौन कौन कमेंट करके बताइए। और एक चीज और भाभी बोली है कि बुआ बुआ और मौसी नामकरण करेंगी। तो जितने लोग जितनी लड़कियां भाभी की बुआ लगती हैं और जितनी लड़कियां भाभी की मौसी लगती हैं आप लोग कमेंट करके बताइए क्यों क्योंकि ये पूरा मामला किस पे अमरनाथ भाई? बुआ और मौसी पे मेन वही है बुआ और मौसी। भाई पंखा चालू कर दीजिए। और दोस्तों एक छोटी सी बच्ची हम लोग के घर आई है खुशी आई है बहुत सारी खुशी हमारे घर में है। आज हमारा बड़ा भाई शामिल रहता तो कुछ माहौल ही आ जाता है। बड़ा भाई और एक भैया और थे वो भी यदि सब लोग शामिल रहते हमारी भाभी शामिल रहती साथ में युवराज रहता तो आज खुशी दुगुना चौगुना पांच गुना आठ गुना होती क्यों। और अमरनाथ कोई पार्टी वार्टी रखने का विचार है? नहावन वगैरह कहिया है? नहावन वगैरह मम्मी जानेंगे भाई इसके बारे में सबको पता नहीं पर मंगल को पता नहीं कितने दिन शनिवार को। अच्छा पूछते हैं मम्मी नहावन कहिया करा जाए? पक्का शनिवार को? उसको आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा और बाकी सनीचर को मम्मी बोल दिया तो सनीचर को फिक्स है। लेकिन क्या क्या चीज उसमें मिलेगा खाने के लिए बताइए। जवन हम बनाए तो दोस्तों हमको केवल पता क्या बनाने दोस्तों देखिए बनाने तो नहीं आता है लेकिन आप लोग लेकिन आप लोगों ने इतना 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 प्यार दिया है इतना दिया है कि आप लोग को बहुत सारी चीज हम ले आके और खिलाएंगे जो भी रहेगा हम लोग को होगा आप लोग जो चीज दिए होंगे सब चीज खिलाएंगे। और इसमें सबसे मेन चीज माना जाता है सुबह में लड्डू तो सबसे पहले आप सबको लड्डू मिलेगा लड्डू के बाद खीर बखीर पूड़ी उड़ी सब मिले पूरा टेंच रहेगा भाई मेरे। हाँ लपसी। और दोस्तों लेकिन नाम से मांगे थे मिल गया हर बात ज्योति का जो भी बात होता है ना तो उसको मस्ती में ले जाता है अच्छा लगता है प्यारा लगता है क्योंकि अपना एक छोटा सा परिवार है और परिवार की खुशियाँ आप सबको दिखाते हैं खुशी कैसी लगती है छोटी सी परी यही है। दोस्तों जितना अच्छा मतलब ज्योति बोलती है जो शब्द हमको बहुत अच्छा लगता है रियल बता रहे भाई कसम से। लेकिन चलिए इसके बाद बाकी चलिए दोस्तों आप लोग जो है नाम बताइए कि क्या नाम बच्ची का रखा जाए बस मेन नाम के ऊपर है कमेंट में जरूर बताएं जो भी नाम पे ज्यादा लाइक होगा वही नाम रखा जाएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए।